फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है रिजवान डिज़ाइंस डॉट कॉम पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 28 में हम लोग सीखने वाले हैं फोटो एडिटिंग का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फोटो का लेवल कैसे ठीक किया जाता है। आज हम लोग एक दूसरी चीज़ सीखते हैं। फोटो एडिटिंग का ये पार्ट 2 है। आने वाले कई वीडियोस होंगे जो फोटोशॉप के फोटो एडिटिंग से रिलेटेड ही होगा, जिसमें कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा फोटो एडिटिंग का। तो इस तरह के फ़ोटो को अगर आप डायरेक्टली एडिट करना चाहते हैं, फास्ट काम करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जे से पहले इसकी आप कॉपी बना लीजिए 3, और इन सभी को कन्वर्ट कर लीजिए आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। राइट क्लिक करें इस पर भी और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। अब आप टॉप लेयर के आई बॉल को बंद कर दीजिए, और इस बीच वाले लेयर पर रहते हुए आपको आना है फिल्टर में। यहाँ पर ऑप्शन होगा ब्लर का। ब्लर के अंदर एक ऑप्शन होगा गॉशियन ब्लर का। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको ब्लर कर देंगे लगभग 15 पिक्सल्स के आसपास, और उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि हमें एक स्मार्ट फिल्टर मिल सके। अब उसके बाद टॉप लेयर पर आते हैं और यहाँ से इसके आई बॉल को ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसके मोड को चेंज करके विविड लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से अदर में जाएंगे, और इसके अंदर एक ऑप्शन होगा हाई पास का। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और हाई पास बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाई पास का मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ से आप यस कर दीजिए। इसमें भी हमें स्मार्ट फिल्टर मिल गया। अब हम लोग इस टॉप लेयर को और सेंटर वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके। इन दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको आप ग्रुप कर लें। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, तो ग्रुप कर लिया। उसके बाद इस लेयर पर रहते हुए, यानी इस ग्रुप वाले लेयर पर रहते हुए, आपको यहाँ से लेयर मास्क यूज़ करना है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये लेयर मास्क आ गया। अब इस लेयर मास्क के थंबनेल को एक्टिव रखेंगे और इसमें आप ब्लैक कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से हमने ब्लैक कलर फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग आएंगे ब्रश टूल पर, और ब्रश टूल के हार्डनेस को आप 0% रखेंगे। इसके साइज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके फ्लो को आप कम करके रखेंगे। ओपेसिटी 100% रहने देंगे आप, तो फ्लो हम लोग रखते हैं लगभग 20-30% के आसपास। और इमेज को जूम करके पेंट करना शुरू कर दें आप। नॉर्मली ध्यान रखें कि वाइट कलर ऊपर होना चाहिए। अगर आप लेयर मास्क लेते हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करते हैं, तो आपने जिसके ऊपर लेयर मास्क लिया है उसे दिखाने के लिए वाइट कलर से फिल करना ज़रूरी है इस पर, ताकि वो दिखाई दे। अब हम लोग देखिए इसे पेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। अगर आप रैंडमली पूरे फोटो को एडिट करेंगे तो वो इतना बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको मैन्युअली थोड़ा थोड़ा एडिट करना होगा। और इसे आप आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे इसी तरह से पेंट करते रहें। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ब्रश बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इमेज ओरिजिनल दिखना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा कर दें कि वो ओरिजिनल दिखना ही बंद हो जाए। अब ये पूरा पेंट हो जाने के बाद अगर आप चेंजेस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ है। तो ये देखिए, पहले और अब। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले इस लेयर की ओपेसिटी अगर आप थोड़ा कम करते हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी मिल सकती है। जैसे मैं इसको 95% करता हूँ, 5% मैंने इसमें कमी कर दिया, तो ये आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि इतना काम कर लेने के बाद और क्या करना चाहिए फ़ोटो में।
फोटो में कहाँ क्या कमी है उसको कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्नैपशॉट ज़रूर लें, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई प्रेस करके एक स्नैपशॉट आप ज़रूर ले लें। स्नैपशॉट लेने के बाद आप यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर आ जाएं और सबसे पहले इसके लेवल को चेक करें कि लेवल परफेक्ट है या कम है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि इस हिस्से में कोई भी कलर नहीं है और यहाँ पर कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है यानी ब्राइटनेस। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ तक लेकर आएंगे जहाँ से कलर शुरू हो रहा है। अब इस इमेज पर लाइट ओरिजिनल आई है। अब इसको और भी ओरिजिनल दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करेंगे लगभग 70% 60% के आसपास। अब आप देखें क्या चेंजेस हुआ है, ये देखिए पहले और अब इतना कर लेने के बाद और क्या करना चाहिए इस फोटो में। तो ध्यान रखें कि जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो उसके बाद इस पर ऐड नॉइज ज़रूर यूज़ करें। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई प्रेस करेंगे, एक स्नैपशॉट और ले लेंगे। ये स्नैपशॉट लेने के बाद यहाँ से आप फिल्टर गैलरी में आएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन होगा नॉइज़ का, इसके अंदर ऐड नॉइज़ का ऑप्शन होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर आप थोड़ा सा नॉइज़ ऐड कर देंगे। यूनिफॉर्म रखेंगे, मोनोक्रोमेटिक रखेंगे और लगभग 3 से 4% इसमें नॉइज़ ऐड करेंगे। मैं इसमें 4% नॉइज़ ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नॉइज़ यानी आपकी इमेज को ओरिजिनल दिखाने में मदद करता है। इसको आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखना चाहेंगे कि पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ है, तो आप देख सकते हैं पहले और अब, पहले और अब। तो ये क्वालिटी है किसी भी इमेज को आप कैसे बेहतर दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कर देने से काम नहीं चलेगा, इसके आगे के प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको करना पड़ता है, जिसको यूज़ करना पड़ेगा इन सभी इमेजेस में। लेकिन आगे की चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें इन आईब्रोज़ की सेटिंग्स कैसे करनी चाहिए, जिसमें इन आईब्रोज़ की एडिटिंग, आँखों की एडिटिंग और इन हेयर्स की एडिटिंग प्रॉपरली, साथ ही साथ लिप्स की एडिटिंग आप कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। और उसके बाद फिर बात आ जाती है फ़ोटो मैनिपुलेशन की, कि इसके बाद हम फ़ोटो मैनिपुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फ़ोटो एडिटिंग है इसमें कई चीज़ें भी और हैं जिसको मैं कवर कर लेता हूँ 3-4 वीडियो में। उसके बाद फ़ोटो मैनिपुलेशन कर लेंगे कुछ, और फिर उसके बाद हम लोग बैनर पोस्टर फ्लायर डिज़ाइनिंग पर आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।